फ्रेंड्स, तो अब हम समझेंगे रिलीवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल, रिलीवेंट कॉस्ट रिलीवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल, रिलीवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल्स, ओके। समझिए, कुछ मटेरियल है, मटेरियल है एक्स मटेरियल, जो हमने 5 साल पहले खरीदा था, ओके। कुछ मटेरियल 5 साल पहले हमने खरीदा था जो अभी तक स्टॉक में पड़ा हुआ है, ओके। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपए में ये हमने ओरिजिनल 5 साल पहले खरीदा था, ओके। 5 साल में इसका यूज नहीं हुआ, यूज ही नहीं हुआ, गोदाम में पड़ा हुआ है बेकार, गोदाम में बेकार पड़ा हुआ है। यानी ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलीट। ये पार्ट हमारा ऑब्सोलीट हो गया, समझो। हमने ये पूरा आयरन स्लैब खरीदी थी, ये हमने आयरन स्लैब खरीदी थी, मान लो ये हमने क्या खरीदी थी, आयरन स्लैब। अब इस आयरन स्लैब में से हमने फ्रेम बना दिया, ये फ्रेम बना लिया, यहां चक्का लग गया, ये फ्रेम बना लिया। जैसे आपने गन्ने की मशीनों में देखते होंगे, तो ये जो लोहे की पूरी रॉड थी, इसमें से इतना हिस्सा काट के ये हमारा अंदर वाला जो हिस्सा था, ये हमारे पास बेकार पड़ा हुआ है। अब ये जो है, क्योंकि हम ये वाली मशीनें ये बनाते थे, ये हमारा 5 फुट का होता था, अब ये हमारा 2.5 फुट का या 3 फुट का पीस है, वो किसी काम ही नहीं आ रहा है। ये 3 फुट का, ठीक है, क्योंकि हमारा जनरली जितने मशीन बनती थी उसका फ्रेम था ये, नॉट यूज्ड और यूजेबल इन द रेगुलर प्रोडक्शन। ये जो प्रोडक्ट है, ना तो हमारा यूज हो रहा है, ना यूज हुआ, ना हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा बेसिकली टोटल ये आया था, इसकी कॉस्ट हमारी ओरिजिनल 1 लाख रुपीज है, लेकिन क्योंकि ये जो पूरी मशीन हमने 25 लाख रुपए की बेची थी, इस मशीन में ही पूरी कॉस्ट निकाल ली, ये बेसिकली चार्ज हमारा हो चुका है चार्ज, तो ये हमारा है, ये स्क्रैप भी पड़ा हुआ है। कभी हमने सोचा कि छोटी मशीनों की कभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ये आइटम हमारे यहां फिजिकली तो एग्जिस्ट करता है, बट इसकी यूटिलिटी अभी यूटिलाइज नहीं हो रहा है।
यूटिलाइज नहीं हो रहा है। हालांकि ये जो लोहा है आज की डेट में 1 लाख की जगह यदि बाजार से 1.25 लाख का खरीदने, यदि इसका हम लोहे की रॉड में से कटवा के इस साइज का लाएंगे तो 1.25 लाख का बनेगा, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। और अगर हम इसको एज ए स्क्रैप बेचते हैं तो इस स्क्रैप बेचने में इसकी कीमत हमारी 10,000 रुपीज हमको मिलता है। स्क्रैप में बेचते हैं तो 10,000 मिलता है। ओके, तो अब हमको एक छोटा सा, आप समझते हैं ना, ये फाउंडेशन बोल्ट की तरह हमें यूज करने का ऑर्डर मिलता है कि यदि हम इस वाले के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर 2 छेद करा दें तो ये फाउंडेशन का काम आ जाएगा और इस पे हमारा 1500 इसके होल कराने पे खर्चा आएगा। ठीक है, तो अब हमारी इसकी रिलीवेंट कॉस्ट क्या हुई? तो इसकी हमारी जो रिलीवेंट कॉस्ट हुई, जो स्क्रैप वैल्यू है 10,000 प्लस होल की कीमत 1500, तो ये कितना होगा 11,500। तो हम मैनेजमेंट को क्या बताएंगे कि इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट डिसीजन इज, तो रिलीवेंट कॉस्ट हमेशा क्या होती है, मिनिमम कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट डिसीजन, फॉर मैनेजमेंट डिसीजंस। सर इतनी मेहनत करने की 10,000 में तो स्क्रैप, बेटे ये हम कॉस्टिंग के हिसाब से केवल बता रहे हैं कि 11,500 मिनिमम कॉस्ट है, इसको कंसीडर मैनेजमेंट को करना है। हम डिसीजन नहीं ले रहे, हम केवल कॉस्टिंग डिसीजन ले रहे हैं। वो 15 में बेचे, 20 में बेचे, यानी वो करते समय, कोई भी चीज करते समय आप ये करेंगे कि घर से जो है ये हमारी 11,500 की पड़ रही है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। ओके, क्योंकि हम इसका एज्यूम ये कर रहे हैं कि इसकी फिजिकल वैल्यू कोई एडजस्ट नहीं करती, वो तो जब मशीन बनाई थी उसमें ये चार्ज हो गई, इसका प्रॉफिट हो गया, ये स्क्रैप की तरह है। तो यहां पर हम केवल इसकी जो वैल्यू ले रहे हैं, वो वैल्यू ये ले रहे हैं कि यदि हम यू की क्यों बेचते हैं, 10,000 की बिकती है, बोल्ट और करते हैं तो 11,500, तो इसकी मिनिमम कॉस्ट कंसीडर करनी है। मैनेजमेंट बेचने में देखिएगा कितना ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डिसीजन करते समय, क्योंकि इसको लगता है कि ये जो स्क्रैप है, ठीक है, तो ये जो स्क्रैप है इसके लिए हमारे को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये मिनिमम कॉस्ट क्या है? तो क्वेश्चन भी हमेशा किस तरह आता है, ये सारी चीजें दी होंगी फैक्ट, उसके बाद क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैसे आता है, ये सारी चीजें देने के बाद में लास्ट में होगा व्हाट विल बी द मिनिमम प्राइस to be charged from customer, ये क्वेश्चन होगा। तो ये जो मिनिमम प्राइस पूछेगा, जो क्वेश्चन होगा उसमें क्वेश्चन में रिलेवेंट कॉस्ट का कहीं जिक्र नहीं होगा, क्वेश्चन में जिक्र होगा मिनिमम प्राइस का। तो हमें ये समझना है रिलेवेंट प्राइस मिनिमम कॉस्ट है, तो हम इसके अंदर आंसर लिखेंगे। रिलीवेंट कॉस्ट
यानी मिनिमम कॉस्ट इसके अंदर क्या होगी? भाई कॉस्ट तो हमारी बाजार में तो ये 1,25,000 की है, लेकिन हमारे लिए मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि हमें तो 10,000 ही मिलने हैं ना बेच के, 10,000 प्लस फर्दर एक्सपेंसेस 1,500 रुपए, तो ये हमारा हुआ 11,500। ठीक है, तो सर इससे क्या फायदा? बेटा फायदा कुछ नहीं, ये हम तो केवल क्या है, हम तो मैनेजमेंट को केवल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? केवल मैनेजमेंट को हम ये बता रहे हैं। हमारा काम कि हम मैनेजमेंट को अपना कॉस्टिंग डिसीजन बता रहे हैं, कॉस्टिंग डिसीजन बता रहे हैं। फर्दर किसको डिसाइड करना है? फर्दर मैनेजमेंट को डिसाइड करना है। हम तो मैनेजमेंट के लिए उसको फिगर्स दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भाई ये 15,000 ये नहीं है इसका मतलब। नहीं तो आप कहोगे सर ये स्क्रैप में भेज दो, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो बेटे हम बता रहे हैं कि इसकी मिनिमम कॉस्ट ये है, इससे ज्यादा जो भी मिलता है वो हमारे लिए फायदेमंद है। ये मैनेजमेंट को डिसीजन करना है बाकी सारे फैक्टर्स को देखकर। ठीक है, अब ये कई बार क्या होता है, हम क्या बताते हैं कि भाई मिनिमम प्राइस, बाकी हमें तो कस्टमर से ही मिनिमम लेना है, ज्यादा जितना भी मिलता है उतना ले लो, लेकिन हम मैनेजमेंट को बता रहे हैं कम से कम इतना हमें लेना है। ठीक है, तो ये हम केवल क्या बता रहे हैं, ये मिनिमम प्राइस चार्ज करने में हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें नो लॉस। ठीक है, तो हमारा लॉस कितना है, यानी ये सीधी सीधी बात है। अब मान लो ये एक्सपेंडिचर से यदि हमें नहीं करना होता और ये सामान देना होता, ठीक है, तो ये कितने का होता, मिनिमम प्राइस है 10,000 की। तो इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर सेलिंग इट एट रुपीज 10,000, देयरफॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रुपीज 10,000 एंड एडिशनल एक्सपेंसेस 1,500। तो हम इसको इस तरह भी दिखा सकते थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अदर अल्टरनेटिव्स का जो बेनिफिट है 10,000 एंड एडिशनल एक्सपेंसेस 1,500, तब भी ये 11,500 आता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछता है तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसी क्वेश्चन को
इसी क्वेश्चन को हम क्या कह सकते हैं, फर्दर वी कैन से, फर्दर इसी ऑप्शन को हम क्या क्या कह सकते हैं, हाँ जी इसी ऑप्शन को हम क्या कह सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट टू बी टर्म डैश ओरिजिनल कॉस्ट टू बी टर्म डैश संक कॉस्ट, ठीक है, यानी 1 लाख जो इसकी प्राइस थी, ये पास्ट कॉस्ट है ये संक कॉस्ट है, तो नॉट टू बी कंसीडर्ड ओरिजिनल कॉस्ट नॉट टू बी कंसर्ड। दूसरी चीज हम देख सकते हैं करंट परचेज प्राइस इज नॉट रिलीवेंट ठीक है। तीसरी भी एडिशनल कॉस्ट टू बी इनकर्ड ₹1500 ओके तो ये ओरिजिनल कॉस्ट ये किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन में हमें इग्नोर करनी है, ये भी हमको इग्नोर करनी है, हमारे को केवल ये 1500 डेट ही था रिलीवेंट कॉस्ट, और दूसरा हमको क्या करना है इस केस में हमको जो 10,000 स्क्रैप सेल ऑफ स्क्रैप मिलते हैं डेट इज रिलीवेंट। तो क्वेश्चन वही है, उसको हमें देखना क्या है, एक ही क्वेश्चन में वो सवाल किस तरह पूछता है उस तरह हम उसको अलग अलग तरीके से जवाब दे सकते हैं, या हमारे पास टाइम एग्जाम में अवेलेबल है तो हम बता सकते हैं कि यदि हम इसको इस तरह भी मैनेजमेंट को बता सकते हैं और इस तरह भी हम उसको बता सकते हैं। ओके क्लियर, तो ये हमने आपको क्योंकि इसको हम और तरीके से क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई ये जो करंट परचेज प्राइस कब रिलीवेंट होगा या कब नहीं होगा, तो हमें बताना है बिकॉज मैं सारे अल्टरनेटिव को कह सकता है व्हाई द करंट परचेज प्राइस इज नॉट रिलीवेंट बिकॉज करंट बिकॉज there is you can write because there is no question
to purchase the material. उस मटेरियल को स्क्रैप में बेचना या अल्टरनेटिव यूज करना, यही दो अल्टरनेटिव हैं, ठीक है। तो why I will purchase, खरीदूंगा क्यों, why मैं खरीदूंगा क्यों, खरीदने की जरूरत ही नहीं है। बात हो रही है किसकी, बात एग्जिस्टिंग को यूज करने की बात हो रही है। है ना, इसलिए और ये मटेरियल फ्यूचर में भी काम नहीं आना, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में यूज के लिए नहीं, यूज होना नहीं। तो इसलिए मेरे को करंट परचेज प्राइस से कोई मतलब नहीं। मान लो मटेरियल स्टॉक में होता, लेकिन हमें लगता है कि आज ये यूज करेंगे, कल हमको करंट परचेज प्राइस पर खरीदना पड़ेगा। रेगुलर मटेरियल होता, अगर ये जो है रेगुलर यूज का मटेरियल होता, आज यूज करते, कल नए रेट में खरीदना पड़ता तो रिलीवेंट होता। अगर हम आज यूज करते हैं और बाद में हमें खरीदना पड़ता तो यूज होता। यहां हमको, ठीक है, अभी तो जितना चाहिए उतना है, अभी तो जितना चाहिए उतना हमारे पास है, ठीक है। फ्यूचर यूटिलिटी है नहीं, इसलिए हम इसकी स्क्रैप वैल्यू जो रियलाइज होने वाली है केवल उसी को रिलीवेंट कॉस्ट मानेंगे। ओके, ठीक है बेटे, ये आप समझोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने की ना करके आप सोचिए, एक बिजनेसमैन हो, कॉमन सेंस से सोचिए कि आप बिजनेस में क्या करेंगे, आपको कॉस्ट ऐसे आसान लेके। ओके, मैं हमेशा कहता हूं, नॉलेज इज लाइक फूड एंड माइंड इज लाइक बॉडी। व्हाट एवर यू हैव ईटन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज व्हाट एवर यू हैव डाइजेस्टेड। तो आप डाइजेस्ट करिए, ढंग से पढ़िए और इसको ये समझिए कि रियल सिचुएशन में आपका घर का काम है, आप सेल करने जा रहे हैं, ओएलएक्स पे आपकी कोटेशन पड़ी हुई है, ओएलएक्स वाले कहते हैं इतने में देंगे, तो आप देखते हैं कि भाई ओएलएक्स पे बेचने में फायदा है या रिपेयर करा के एक दूसरा मेरे को यूज आ रहा है उसमें फायदा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। ओके, तो अब हम एक और केस लेते हैं, ठीक है। अब आपको आप लोग सब देखते होंगे, हाँ जी, कॉमेडी विद कपिल देखते हैं,
हाँ जी, आपने कॉमेडी विद कपिल देखी है? हाँ जी देखे थे। हाँ तो भाई ये कैसा वो स्कूटर बन गया, ये स्कूटर है। आप कॉमेडी विद कपिल में देख रहे हैं, ये स्कूटर है। पांच साल से वो चलाई नहीं, ये 5 साल पहले स्कूटर 40,000 का खरीदा था और इसका खूब यूज किया। हर साल 8,000 रुपये इस पे डेप्रिसिएशन, 8,000 डेप्रिसिएशन डाल दिया 2008 में। दो हजार नौ में, 2010 में 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन डाल दिया, 2011 में 8,000 डाल दिया, 12 में 8,000 डाल दिया, 2013-14 में। ये 5 साल के अंदर 40,000 डेप्रिसिएशन आ गया। आज 5 अप्रैल 2014 को, हाँ जी, इसकी WDV 0 है, बट फिजिकल एग्जिस्टेंस में है। हाँ जी, हर शो में दिखाई देता है आपको। हाँ जी सब, अब नहीं दिखाई देता, अब तो बकरी दिखाई देती है। हाँ जी, तो अब बिक गया, ये क्वेश्चन के उसी पर आधारित है, ये समझिए। तो ये फिजिकल एडजस्ट होता है जिसमें सब कुछ, बैल के अलावा सब कुछ बचता है उसमें, सब कुछ बचता है, और इंजन के अलावा सब कुछ चलता है, इंजन के अलावा सब कुछ मूव करता है। अब क्या होता है, एक मिस्टर कवाड़ी आते हैं, मिस्टर कवाड़ी वो कहते हैं ये आप मेरे को बेच दीजिए, मैं इसको 4,000 रुपये में ले लूंगा, 4,000 रुपये में ले लूंगा। हम देखते हैं भाई 4,000 रुपये मिल रहे हैं, अभी 0 है, ठीक है। तो ये 4,000 रुपये का एक हमें ऑप्शन मिला। दूसरा आता है मिस्टर मरम्मत, मिस्टर मरम्मत आते हैं, मिस्टर मरम्मत कहते हैं भाई ऐसा करो, इसमें आप पेंट करा लो 2,000 रुपये का और बाकी रिपेयर करा लो
1000 रुपए की, तो ये मैं 8000 में किसी को भेज दूंगा, आपको 8000 रुपए दे दूंगा। इसके 8000 रुपए दे दूंगा, अब क्या होगा? अब इसके लिए मैनेजमेंट के यहां पे, अब मैनेजमेंट कहता है कि हमें ये जो मिनिमम प्राइस बताइए, मिनिमम प्राइस बताइए, ये स्कूटर रिपेयर के बाद में मिनिमम प्राइस कितने में बेचा जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे भाई, पहले ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 4000 प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस कितना है, 3000। अब ये डेप्रिसिएशन ना भी दी होती, ये 40000 हमारी संक कॉस्ट है, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हमें कोई कंसीडर नहीं करना। हो सकता है 8000 डेप्रिसिएशन के अलावा यहाँ पे 2000 रिपेयर किया हो, यहाँ 1000 रुपये रिपेयर लगा हो, 5000 रुपए की ओवरहॉलिंग करी हो, 2000 का कुछ भी किया हो, ये सब पास्ट कॉस्ट हैं, ये रिपेयर के खर्चे थे, इन सब से हमारे को कुछ लेना देना नहीं, ये हमारे लिए नॉट रिलीवेंट। ये क्या है? नॉट रिलीवेंट हमारे लिए क्या है? ये 7000 रुपए इज द मिनिमम कॉस्ट। हम कहेंगे क्या कहेंगे भाई, मिनिमम कॉस्ट ये हमारी आ रही है 7000। यदि मिस्टर मरम्मत 8000 रुपए में बेचने का वादा करते हैं तो हम मैक्सिमम उनको 1000 रुपए कमीशन दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि भाई हमारा स्कूटर 7000 रुपए में बिक रहा है, स्कूटर 4000 रुपए में बिक रहा है, मरम्मत कहते हैं हमें कमीशन दो, तो 3000 रुपए की मरम्मत करके हम 8000 रुपए में बेच देंगे। अब मैनेजमेंट हमसे पूछ रहा है कि मरम्मत को मैक्सिमम कमीशन कितना दिया जा सकता है, तो वही मिनिमम का क्वेश्चन मैक्सिमम में कन्वर्ट हो गया, तो मैक्सिमम कमीशन कितना दिया जा सकता है, 1000 रुपए। मैक्सिमम कमीशन कितना दिया जा सकता है, 1000 रुपए। ओके, अब क्या है, मान लो मिस्टर मरम्मत कहता है कि भाई इसकी स्टेपनी 1000 रुपए, ठीक है, तो आप ये बताइए इसकी जो स्टेपनी है
इस बिना स्टेपनी के कितने का दोगे? तो हम देखेंगे यदि स्टेपनी का पैसा मान लो मरम्मत कहता है कि भाई स्टेपनी किसी काम की नहीं है और स्टेपनी के यदि हमको 100 रुपये और मिल जाते हैं तो क्या होगा? तो हमारे लिए कॉस्ट क्या होगी? 4000 और 3000, 7000 माइनस 100 रुपये। तो हमारे लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 6900 रुपये। तो हम ₹6900 मिनिमम कॉस्ट है जो हमें नेट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यदि हमको उसके अलावा कोई बेनिफिट मिलता है तो वो हम घटा देंगे। हाँ जी, समझ में आया? ये समझ लीजिए, तीसरे केस के अंदर मिस्टर मरम्मत कहता है हम रिपेयर करेंगे, आप बेच खुद ही लेना। अब हमारे को एक मिस्टर सी मिलते हैं, वो कहते हैं आप बताइए हमें लेना है बिना स्टेपनी के, हमें कोई स्टेपनी नहीं चाहिए, स्टेपनी हमारे पास है। तो हम मिस्टर मरम्मत से या मार्केट से पूछते हैं स्टेपनी कितने की है, वो कहते हैं भाई स्टेपनी 100 रुपये में बिक जाएगी। तो हमारी कॉस्ट क्या होगी? 4000 प्लस 3000, 7000 माइनस 100 रुपये स्टेपनी की। तो हम 6900 में भी उसको दे देंगे। हाँ जी, बात कुछ कुछ समझ में आई? हाँ, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब भाई हमारी केमिकल फैक्ट्री थी हिंद केमिकल लिमिटेड, अब इन्होंने कुछ केमिकल समझ लो सल्फ्यूरिक एसिड खरीदा था। अब वो सल्फ्यूरिक एसिड 5 साल से स्टॉक में पड़ा था, ये खरीदा था हमने 10,000 का। आज वो 5 साल के बाद में वो सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसे टॉक्सिक में बदल गया कि वो यूजेबल नहीं रहा, और ये हमारे को डेंजरस हो गया। अब उस टॉक्सिक को फेंकने के लिए स्पेशल लेबर लानी पड़ेगी और इसके लिए हमारे 5000 रुपये खर्च होते हैं। स्पेशल इसके लिए टैंकर लाना पड़ेगा, स्पेशल मशीन लाके बहुत दूर जाके जमीन के अंदर, यानी वेस्ट को इस तरह करके पर्यावरण के नियमों के हिसाब से ऐसी जगह इसको डंप करना पड़ेगा जिसमें 5000 रुपये खर्च होंगे।
और हमको एक ऑफर मिलता है इस टॉक्सिक मटेरियल से 5,000 रुपए लगा के 15,000 रुपए लगा के हम एक इस तरह का कीटनाशक बना सकते हैं जो हमें सब्सिडाइज्ड रेट पर एक एनजीओ को दे सकते हैं। अब एनजीओ पूछती है कि इसकी प्राइस क्या लोगी, तो हमारे लिए इसकी जो रिलीवेंट कॉस्ट है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है डेट इज -5,000, क्योंकि अगर हम इसमें 15,000 रुपए और लगाते हैं तो 5,000 हमारे ये बच जाएंगे और इसके लिए हमारा खर्चा 10,000 रुपए आएगा। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट इस एनजीओ से हम चार्ज कर सकते हैं 10,000 रुपए। सर ये माइनस में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है? हाँ जी हाँ जी, यदि कोई खर्चा है जो हमारा सेव हो सकता है तो डेट वी कैन से कि ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस में होती। ओके ठीक है, तो आज का हम लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। जो भी कोई भी केस हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एट 9810425103। थैंक यू वेरी मच।